फंक्शन को प्रथम दिवस से लेकर अंतिम दिवस तक अगर हम देखें तो आपको अपने जीवन का सफल सार, अपने जीवन को सफल करने के लिए इसके अंदर में सब कुछ सारा आ जाता है। अब आज सातवां दिवस है और सातवें दिवस में सीता माता की खोज भी हो रही है। कल मेघनाथ के साथ लक्ष्मण जी का युद्ध भी होगा। सबसे प्रतापी अगर बलशाली व्यक्ति अगर किसी को कहते हैं, वैसे तो रावण का नाम बहुत प्रमुखता से लिया जाता है। रावण चार वेदों का ज्ञाता है। भी है और बहुत बड़ा शिव भक्त भी है। 1,00,000 पुत्र हैं, उनको भी साथ लेकर के चलता है। अब आजकल तो कैसे 4 जानी 6 जानी घर में रुनी भली बहन बात चिल्ले नहीं और लेव मुशो अलग है जी और कजी अलग है जा। लेकिन रावण से भी ये बात सीखने की है कि 1,00,000 पुत्र और 1,25,000 नातियों को हम कैसे। और रावण सबसे ज्यादा विद्याओं का ज्ञाता था। जब मेघनाथ का जन्म होने वाला था तो रावण ने सारे ग्रहों की स्थिति को बदल दिया। लेकिन एक राहु की स्थिति को बदलने में वो असमर्थ इसलिए रहा क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे कि इस धरती पर इस प्रकार का कोई बलशाली व्यक्ति हो जाए जो अहंकार के कारण इस धरती को अपने कदमों में समझे। कि बाली का कोई छल है बताता हूं। जब मेघनाथ का जन्म होता है तो मेघनाथ के जन्म के समय राहु अपनी गति को बदल देता है। इस कारण से मेघनाथ सबसे बड़ा बलशाली होने से रह जाता है। अब मेघनाथ का वध कौन कर सकता है। रावण तो बहुत बड़ी चीज है लेकिन रावण से भी आगे मेघनाथ है। मेघनाथ का वध केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो 14 साल सोया ही नहीं हो। तुम्हें क्या माने
सोया ना हो, वो केवल एक ही है जिसने अपने भाई के लिए राज सत्ता को छोड़ करके जंगल में जाना पसंद किया। अपना 14 वर्ष तो लगाया ही लगाया, 14 वर्ष सोया तक नहीं। जब निद्रा देवी आई तो निद्रा देवी ने पूछा, लक्ष्मण जी आपके हिस्से की निद्रा किसको दें? उन्होंने कहा कि मेरे हिस्से की निद्रा मेरी पत्नी जी को दे दें। एक तरफ उनकी पत्नी 14 वर्ष तक सोती रही केवल उस निद्रा देवी के अनुपालन में, और वहीं लक्ष्मण जी 14 वर्ष जागृत होकर के भगवान राम की सेवा में जंगल में साथ उनके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़े। जाके मेघनाद जैसे व्यक्ति बलशाली व्यक्ति का वध हुआ। ऐसी बहुत सारी रामलीला के प्रसंग हैं, समय समय पर हर वर्ष आप लोग के बीच में। चलिए वो कपीश्वर से मित्रता कीजिए। हे नाथ क्षमा कीजिए, शरण दीजिए साधु। हे कपिराज, यह कब से रहते हो? क्या कभी इस मार्ग से जानकी को भी जाते हुए देखा है? एक रोज मंत्रियों सहित बसे इसी जगह पर बैठा किराए
हे भ्राता, कहीं यह आभूषण जानकी के तो नहीं? जाने की तो मुख नावी लो क्यों लाते कपिराज, हम जब से यहां पर आए हैं आप उदास जान पड़ते हैं। आपके इस गुप्त पर्वत पर रहने का क्या कारण है और आपने अपने ग्रह का त्याग क्यों किया है? के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर। बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारी फैमिली ज्वाइन कीजिए। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।